आजकल एक नया झगड़ा, नया इख्तलाफ शुरू हुआ कि कब्र के तीन सवाल होंगे या चार। पुराने जो लोग हैं वो आमतौर से यही सुनते आए हैं कब्र के कितने सवाल होंगे, तीन। लेकिन जो नई जनरेशन है उनके यहाँ एक नया अंदाज आया है कब्र के सवाल पर बात करने का, नहीं तीन नहीं चार सवाल होंगे। ये तीन सवाल तो ही जो मैंने आपको बताया, चौथा सवाल होगा कि जो आदमी इन सवालात तीनों सवालात के जवाब दे लेगा उससे चौथा सवाल होगा मा युद्री का। अबू दाऊद की बात है, सही से मा युद्री का, तुम्हें ऐसे पता कैसे चला? तो क्या कहेगा, करा तो किताब अल्लाह फआमंतु बिही वसद्दक्तुहु, कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक किया। ये चौथा सवाल है ना, सुना नबी दाऊद की सही हदीस है। अब इसको लेके एक इख्तलाफ पैदा हो गया, कब्र में तीन सवाल चार, और कुछ लोगों ने उन उलमा पे लान तान करना शुरू कर दिया, कहा जिन उलमा ने ये चौथा सवाल नहीं बताया वो मलून है, उन्होंने हक छुपाया, उन्होंने ये किया वो किया। अब देखिए यूट्यूब पर लोग कैसे तकरीर कर रहे कि ये चार सवाल थे और उलमा ने खा लिया चौथा सवाल, हड़प कर गए, लोगों को ये सिखाया कब्र में सिर्फ तीन सवाल होंगे, जबकि हदीस है अबू दाऊद की कब्र में चार सवाल होंगे। असल मसला क्या है, क्या पुराने उलमा जाहिल थे, उनको नहीं पता था कब्र में तीन होंगे कि चार होंगे? असल में जो शख्स ये हदीस पढ़ रहा वो जाहिल है, जो उलमा पे लान तान कर रहा ना इस बात को लेकर कब्र में तीन नहीं चार सवाल होंगे वो जाहिल है, वो इस हदीस को समझ नहीं पा रहा। सवालात असल में जो चौथा सवाल है वो असल में इम्तिहानी सवाल नहीं है, वो इम्तिहान हो जाने के बाद का सवाल है, जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें सिर्फ तीन ही सवाल है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स इम्तिहान देने गया, किसी स्कूल का बच्चा, उसके पेपर में तीन सवाल आए, हल करके निकल गया, अब हल करके आ गया, अब टीचर उससे पूछ रहा है तुमने कैसे जवाब लिख लिया, तो बताया भाई मैंने मेहनत किया ये किया। तो ये असल में उस इम्तिहान का सवाल नहीं है सवाल, लेकिन इम्तिहान के बाद वाला सवाल है। इसलिए झगड़े मत करो, लान तान मत करो, जिन उलमा ने कहा कब्र में तीन सवाल होंगे गलत नहीं कहा उन्होंने, तीन में कहानी खत्म, रिजल्ट आउट। अब उसके बाद पूछा जा रहा है, फरिश्ते पूछेंगे उसकी हौसला अफजाई करते हुए, भाई मायूदरी का ये तुमने तीनों सवाल के जवाब दे दिए, कैसे पता चला भाई, क्या किया तुमने, कुछ बताओ, कोई राज की बात बताओ, तीनों सवाल तुम कामयाब हो गए, पास हो गए, पास होने के बाद पूछा जा रहा है मायूदरी का, तुमको कैसे पता चला? तो कहेगा मैंने कुरान पढ़ा, ईमान लाया, ये किया वो किया। और जो शख्स इन तीनों सवालात के जवाब में नाकाम हो जाएगा, सही बुखारी की हदीस है, उससे क्या कहेंगे फरिश्ते, ला दरैता वला तलैता, तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तूने कुरान की तलावत क्यों नहीं की, कुरान समझा क्यों नहीं, कुरान समझा होता पढ़ा होता तो आज फेल नहीं होता। रिजल्ट आउट होने के बाद ये सवालात होंगे, इसलिए झगड़े मत करो, हदीसें समझने की कोशिश करो। असल जो सवाल है जिससे इम्तिहान होगा, जिससे उसके अच्छे बुरे का फैसला होगा, वो सिर्फ तीन ही है।